सुनील सुप्रीकर जी आप जो कार्यों के लिए बोल रहे हो तो वो कार्य करने के लिए आपने अपने वरिष्ठों से बात की थी? सी हमने जो अपने वरिष्ठों से दो तीन बार इस विषय में चर्चा की थी, लेकिन कोई ठोस रिप्लाई नहीं आने की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। मेरी आप लोगों से विनती है ये टाइम वोट जरूर जरूर करना, धन्यवाद। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ए न कपड़ो लतो, पर हाँ rishto.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतज़ार कंदो हुजे। rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लास नगर बीजेपी मंडल 5 के अध्यक्ष सुनील सुखेजा ने पार्टी को जय महाराष्ट्र करते ही आनन फानन में मंडल 5 के अध्यक्ष पद पर बंटी कुर्सेजा जी की नियुक्ति की गई है। बीजेपी को छोड़कर सुनील सुखेजा आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में शामिल हुए, जहां सुनील सुखेजा ने आरोप किए कि जब वे कोई काम लेकर वरिष्ठों के पास जाते थे तो उस पर कोई ठोस रिप्लाई नहीं मिलता था, जिसके कारण ही बीजेपी को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वे शामिल हुए हैं। वहीं जब इन्हीं आरोपों पर शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शायद वे पार्टी के काम को लेकर तनाव में थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरी पार्टी में जाने का निर्णय लिया होगा। अगर वरिष्ठ उनकी नहीं सुनते तो वे अकेले पार्टी छोड़कर गए हैं। इतनी बड़ी मंडल की टीम है, उनके साथ एक भी व्यक्ति नहीं गया है। वहीं महायुति में उनके ही मित्र पक्ष द्वारा पार्टी में तोड़फोड़ करने को लेकर पूछे जाने पर प्रदीप रामचंदानी ने फिलहाल तो कुछ नहीं कहा, पर यह जरूर कहा कि समय आने पर इसका जवाब जरूर देंगे। वहीं बंटी कुर्सेजा को मंडल 5 के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो उल्लासनगर महापालिका के पूर्व नगर सेवक शंकर शेरी लुंड को मंडल 5 के प्रभारी पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लास। भारतीय जनता पार्टी से बंटी कुर्सेजा, सुनील सुखेजा जी जो है वह आज व्हाट्सएप पे पाए गए कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ज्वाइन कर लिया है। कई दिनों से उनके ऊपर दबाव था कि पार्टी का बहुत सारा काम जो पार्टी के मंडल अध्यक्ष को करना पड़ता है, बूथों के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए मैं सतत उनसे संपर्क में था, शायद वह काम के तनाव को सह न पाए और उन्होंने दूसरे पक्ष में जाने का फैसला किया होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उसके साथ नहीं गया है। सारे 5 नंबर मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ पर बुलाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने एक मत से तय किया कि मंडल अध्यक्ष सुनील सुखेजा के जगह पर नौजवान चेहरा बंटी कुर्सेजा को हम लोग अध्यक्ष बना रहे हैं और उसके साथ ही हमारे वहाँ के नगर पार्षद श्री शेरी लुंड को वहाँ का प्रभारी भी घोषित कर दिया गया। कुल मिलाकर यह है कि पार्टी में अगर कोई रहे या न रहे वह उसकी मर्जी है, लेकिन आप मानकर चलिए जो भी पार्टी में रहेगा उसे पार्टी का काम करना पड़ेगा। ऊपर से महाराष्ट्र प्रदेश से जो आदेश हैं वह सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे। उन कार्यक्रमों को अगर कोई भी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष नहीं करता है या जिला अध्यक्ष मैं भी अगर नहीं करता हूं तो मुझे कभी भी पद से हटाया जाएगा, क्योंकि हम जब किसी भी तरह का काम करने के लिए इस पार्टी में हुए हैं तो हमारा काम है लोगों को संगठन के जरिए हमारे किए गए कार्य और हमारी योजनाओं को पहुंचाना और संगठन का निर्माण करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर अपनी पार्टी का विस्तार करना। इस कार्यक्रम में
उस शायद वह न कर पा रहे थे, अपने आप को विफल पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। अगर यह कदम वह खुद नहीं उठाते तो कुछ ही दिनों में पार्टी भी ऐसा निर्णय ले सकती थी कि क्योंकि कार्य सक्षम नहीं है वह अध्यक्ष तो उसको बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद निर्णय लिया, हमारा काम आसान कर दिया। और मैं आने वाले दिनों के लिए बंटी कुर्सीजा को बहुत बहुत उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि वो इतने बड़े पद पर आज आसीन हुए हैं और वो पूरी तरह से पार्टी के दिए गए कार्यों को करेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की राजनीति की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। उन्होंने ज्यादातर आरोप किया है कि वरिष्ठ काम नहीं सुनते हैं, इनके लिए वो चले गए। वरिष्ठ का जो उन्होंने आरोप किया है, वरिष्ठ सभी लोगों का सुनते हैं, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने में वरिष्ठ सभी लोग लगे रहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जाएगा अपनी अकार्यक्षमता की वजह से तो जाते जाते कुछ न कुछ तो कहेगा। लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे शहर में नंबर एक की पार्टी बनी हुई है, किसी भी तरह से संगठन के तौर पर हर तरीके से चुस्त दुरुस्त है। और इसका प्रमाण यही है कि अगर पार्टी का अगर वरिष्ठ उनको नहीं सुनता तो अकेले क्यों जानते, इतनी बड़ी टीम जो 5 नंबर की है उनके साथ एक भी व्यक्ति नहीं गया, यह इस बात का प्रमाण है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, जीवन में वो जहां भी गए हैं उनको हमारी शुभकामनाएं। राष्ट्रवादी में गए हैं, राष्ट्रवादी गुट भी आपके साथ में मिला हुआ है, तो ऐसे इस बात का आज जवाब नहीं देंगे, समय आने पर अवश्य जवाब देंगे। जय झूलेलाल। जैसे कि पहले हमारा लालसाई ग्रुप था, फिर लालसाई व्यापारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया, आज मंडल अध्यक्ष का पद दिया गया है, तो हम सब लोग मिलके जैसे लालसाई ग्रुप हम करते, इसी तरह जो पहले यहाँ के है हमारे अध्यक्ष ये सब है, सब लोग मिलके इस कार्य को सफल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। देखिए, जिस देश में मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व है तो अब अचानक से ये घटना होने के बाद जैसे ही हमें आदेश आया प्रदीप जी का कि आपको 5 नंबर का प्रभारी पद संभालना है और 5 नंबर की जो गतिविधियां है और हमारे जो कार्यकर्ता कुछ जैसे सुनील सुखेजा जी से भी नाराज़ हैं, जैसे यहाँ से नाराज़ अगर हैं तो सबको संभालना उसकी जवाबदारी मुझे दी गई है। और पूरे देश में जो लहर चल रही है मोदी जी की 400 पार की, अब हम उल्लासनगर से तो मुझे नहीं दिखता कि कोई आज सामने खड़ा है, क्योंकि उल्लासनगर से वन साइड वोटिंग होने की पूरी पिक्चर दिख रही है। तो इस वक्त पर अगर कोई आदमी अगर बीजेपी छोड़ता है तो मुझे लगता है कि उसने राजनीतिक आत्महत्या की है, मुझे ऐसा ज्ञान होता है। तो पार्टी का आदेश जब जब आता है, पार्टी में काम करने वालों की इज्जत है, अगर काम नहीं करेगा तो बट नेचुरल पार्टी तो निकाल देती है, पार्टी नहीं निकालती है, उसने कम से कम काम नहीं कर पाया, इसके लिए वह खुद ही यहाँ पे पार्टी को छोड़ के चला गया। ये भी अच्छी बात हुई कि काम नहीं करता आदमी तो उसको खुद को ही समझ आ जाती है कि यहाँ पे बहुत काम ज़्यादा है, तो अभी हमको तो पता है कि बहुत काम ज़्यादा है, इसीलिए बंटी जी को भी पहले ही शुभेच्छा दी कि काम बहुत ज़्यादा है, अभी आपको पूरा समय, अभी जैसे चुनाव है 20 तारीख को नज़दीक है तो पूरा समय हमको पार्टी के लिए देना पड़ेगा, और जैसा आदेश पार्टी की तरफ से आया मुझे जो पद दिया गया उसका पूरा मान रखा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।